9 स्टूडेंट क्लास फर्स्ट लेसन जीके में हमारा 10 एंड नेम वाइल्ड एनिमल्स। इसके अंदर हम वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट इज कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। जो एनिमल्स फॉरेस्ट के अंदर जंगलों में रहते हैं उनको हम वाइल्ड एनिमल बोलते हैं, जंगली जानवर जैसे बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स हैं। मैनी वाइल्ड एनिमल्स आर, फर्स्ट है आई एम नॉन एज द किंग ऑफ जंगल, द हैव I have thick hair on my head called man। इस एनिमल को जंगल का क्या बोलते हैं, राजा बोलते हैं। और इसके बहुत सारे हैवी हेयर होते हैं जिसको हम मैन नाम से बुलाते हैं। वो कौन सा एनिमल है, लॉयन। सेकेंड हमारा है I am the largest animal on land, I have a trunk and a pair of tusks। एलिफेंट जो है वो लार्जेस्ट बहुत बड़ा एनिमल्स होता है लैंड में माना जाता है, और उसके ट्रंक होते हैं और टुश होते हैं, जो टिथ से निकलते हैं एलिफेंट के उसको हम ट्रंक बोलते हैं। थर्ड है आई एम द टॉलेस्ट एनिमल ऑन लैंड, आई हैव अ लॉन्ग नेक। जिराफ जो है वो लैंड का सबसे टॉलेस्ट एनिमल, बहुत लंबा एनिमल माना जाता है, और उनकी बहुत इनके पास क्या होता है कि बहुत लंबी क्या होती है, नेक गर्दन होती है, जिसको हम जिराफ नाम से जानते हैं। फोर्थ हमारा है आई लुक लाइक अ बिग कैट, आई हैव ब्लैक स्ट्रिप्स ऑल ओवर माई बॉडी। टाइगर जो है वो किसकी तरह दिखता है, कैट की तरह दिखता है, बहुत बड़ी एक कैट की तरह दिखता है। और आई हैव ब्लैक स्ट्रिप्स ऑल ओवर माई बॉडी, और इनकी जो पूरी बॉडी जो होती है उसमें ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स लाइनिंग वर्क होती है, जिसको हम टाइगर नाम से जानते हैं। फिफ्थ है आई एम अ वॉइस एनिमल, आई लिव ऑन ट्री एंड स्विंग फ्रॉम ब्रांचेस टू ब्रांचेस। मंकी जो है बहुत ही चालाक क्लेवर एनिमल माना जाता है, जो कि कहाँ पर रहता है, ट्री पेड़ पर रहता है, और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में क्या करता है, स्विंग करता है, इधर से उधर जाता रहता है। सिक्स्थ है आई एम अ बिग हेयरी एनिमल्स, आई लव ईटिंग हनी। बियर जो है वो बहुत ही बड़ा क्या है, हेयरी एनिमल्स, बालों वाला जो होते हैं वो उस टाइप का एनिमल माना जाता है, और उनको क्या पसंद है सबसे ज़्यादा ईटिंग करने में, हनी। ये जो है हनी से बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्यार करते हैं, उनको बहुत पसंद होता है। सेवन्थ है आई हैव अ पाउच टू कीप माई बेबी। कंगारू जो है इनके पास एक पाउच होता है जिसमें ये क्या करते हैं, अपने जो बेबी होते हैं वो उनको रखते हैं। तो ये 7 टॉपिक्स हैं, आपको ये दोबारा से रिवाइज करना है, पढ़ना है और उनको समझना है दोबारा से। थैंक यू।